हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो बहुत बहुत। और गाइस, आज बहुत ही अच्छा दिन है, सब ने नए कपड़े पहने हैं, सारे में सब खुश हो रहे हैं और बहुत खुशी का दिन है आज। 30 रोजे के बाद में आप ईद पे एक अलग ही खुशी होती है, सब बहुत खुश होते हैं, एक्साइट करते हैं, मतलब एक्साइट होते हैं कि काफ़ी इन्जॉय करेंगे। तो गाइज, आज बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही मुबारक वाला दिन है, आज ईद है। तो मेरी तरफ से सभी को एक बार दोबारा से फिर से ईद मुबारक हो सभी को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे दोस्तों को, मेरे बहन भाइयों को और मेरे यूट्यूब फैमिली को, सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। तो शनाया भी काफ़ी इन्जॉय कर रही है कि मौसम भी अच्छा हो रहा है आज, तो धूप कम है और हवा भी चल रही है। तो नमाज़ पढ़ के तो उसके बाद में जो हमारे मोहल्ले में जो घर हैं कुछ, तो उनके घर पे कुछ खा पी के आया हूँ मैं, वो शूट नहीं कर पाया मैं, इसलिए मैं फ़ोन लेके नहीं जा पाया, क्योंकि फ़ोन में मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया था तो फ़ोन में घर पर छोड़ दिया, इसलिए वहाँ पर ही जो भी गले मिले हम, ईदी मिले सभी से, और खाना पीना जो हुआ है वो सब शूट नहीं कर पाया, सब मिस हो गया। और मैं अब घर आया हूँ, घर आने के बाद में मैं सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना दूँ आपको, सेलिब्रेट करते ईद की। तो गाइस, ये आज जो बना है, आज काफ़ी अच्छा आइटम बने हैं, खीर बनी है, बिरयानी बनी है और दही बड़े हैं। देखिए सनाया को, देखिए सनाया तैयार हो गई है और देखिए और ये देखिए अलीना भी तैयार हो गई, तीनों देखो। हाँ, पर्स देखो, बच्चे भी आपस में, ये बच्चे आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि मेरी चीज़ देखो कितनी अच्छी है, मेरा पर्स कितना बढ़िया है, ये देखो। तीनों तीनों ऐसे बोलो, ईद मुबारक हो, आप सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक आपको भी, सबको ईद मुबारक। ये देखिए क्या बात कर रहे हैं, कुछ पता नहीं सीक्रेट मामला है कुछ। सनाया खुश हो रही है, देखिए इसे चाटा मार दिए इसने इसके। सनाया कितनी बढ़िया लग रही है आज, सुंदर लग रही है सनाया। क्या दूं? ले ईद मुबारक, 50 रुपये तेरे हैं, 50 रुपये उसके हैं सुहान के, ठीक है, 50-50 रुपये हैं। कितने दूँ? ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक दूँ। कितने? ईद मुबारक पर्स में रखो अपने। पापा मुझे भी इतने सारे सनाया, एक पापा ने दिया, एक दो दो पापा दो, ये दो है बावली, दो है ये, देख ये 50 हैं, ये 20 हैं और ये 10 हैं। पापा मुझे और पैसे चाहिए।
कितने चाहिए? क्या करेगी इतने पैसों का? अरे आइसक्रीम लाऊंगी और ना खिलौने। तो आइसक्रीम तो इनकी आ जाएगी। पापा दे रहे हैं। कैसे रख रही है पैसे, उल्टे सीधे? ये देखो कैसे बना रही है, ये तय पैसों की तय बना के जब रखेगी। ये रख दिया देखो 50 रुपये, अब ये 20 रुपये रखेगी। मैंने तो ईदी दिए तुझे, तो ईदी दिए मैंने, और ईद मुबारक नहीं बोल रही। ईद मुबारक हो, देख उसने बोल दिया। सना रख लिए पैसे, ये देखो चेयर लगा लिया, ये रख लिए इसने पैसे अपने संभाल के रख लिए पैसे, ये देखो संभाल के पैसे रख लिए इसने अपने। पापा हाँ, तो आइसक्रीम ये पैसे नहीं है, ये तो रे पैसे इसमें पर्स में, अपने पैसे खर्च कर ले। पापा हाँ, अपने पैसे खर्च कर ले, मेरे पैसे खर्च करेगी? ईद मुबारक हो आपको भी। तो बोलो पापा आपको ईद मुबारक, फिर दूंगी पैसे मैंने लेनी थी। कौन सी आइसक्रीम लाएगी? दूसरी वाली कौन सी? पहली वाली कौन सी होती है? मैंगो वाली। हाँ। तो मैंगो आम खा ले, जरूरी है आइसक्रीम खाइए। तो गाइस बच्चों को मैंने देखो ईदी दी है, और ये बच्चे अपनी मर्जी से खर्च करेंगे पैसे, इनको इनका कुछ नहीं पता, ये जिसका दिल करेगा वो चीज़ लेके आएगा और अपने हिसाब से खर्च कर देंगे पैसे। पैसे अरे अभी तो दिए पैसे, और दो। कितने दो? तीन। पागल लड़की। गाइस देखो ये 50 रुपये मान ले रही, इसलिए 100 रुपये लेके मानेगी। ये 50 रुपये दिए, 50 रुपये बोल रही मुझे और चाहिए। ले सुना अब 100 रुपये मिल गए, ठीक है अब इसकी ये आइसक्रीम काफ़ी सारी आ जाएगी, ठीक है। सुना ये 20 रुपये किसने दिए थे? ये वाले किसने दिए थे? ये वाले हाँ, ये अब्बा जी ने दिए थे। मैंने 100 रुपये दे दिए, सुनाया था 50 रुपये मैंने। अभी देखो अब शांत हो गई है, चुप हो गई है। असल में बच्चों की ईद होती है गाइस, बड़ों की नहीं होती, बच्चों को मज़ा आता है, ईद ही मिलती है, खुश होते हैं सब। देखो गाइस एक बार मैंने कमेंटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती गाइस, इसका यही डायलॉग है। ये देखो इसे आप 10 रुपये ही मिल गए, देखो आज तो इसका पर्स भरता जा रहा है, सुनाएगा देखो बच्चे भी मजा आ रहे हैं, देखो इसे 10 रुपये ही मिल गए, देखो ये देखो कैसे रख रही है, ये देखो किस हिसाब से पैसे रखती है, ये देखो किस हिसाब से पैसे रख रही है, देखो गाइस सीख लो बच्चों से कुछ गाइस, देखो कैसे रखती है पैसे ये।
पर्स में पैसे रखने का नया स्टाइल देखो गाइस, ये देखो रख दिया। अब ये देखो, ये लॉक लगा दिया, हो गए। अब कितने पैसे हो गए सना, कितने पैसे हो गए? अब 6 पैसे हो गए। अच्छा, तो इन 6 पैसों को क्या करेगी? मैं अभी गुल्लक में डालेगी, मैं गुल्लक में नहीं। क्या खरीद के लाएगी इन पैसों का? खर्च कर देगी। देखो, 1, 2, 3 देखो कितने खुश हो रहे बच्चे, पैसे मोल लेंगे। बच्चों की भीड़ लगी हुई है आइसक्रीम खाने के लिए। बच्चों की ईद ही होती है असल में, तो यही मोडी होता है, बच्चों की ईद है, बड़ों की ईद नहीं होती। देखो गाइस, ये देखो, जब भी मैं सबके घरों में ही आ गया, थोड़ा थोड़ा खा के जिम तो पेट भर गया मेरा। तो गाइस अभी जो है सब घूमने निकल गए हैं। पहले हम भी जब छोटे थे तो हमें भी बहुत मज़ा आता था, ईद का बेसब्री से इंतजार होता था कि ईद पे हमें इतने सारे पैसे हो जाएंगे और हमें बहुत मज़ा आएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, अपनी मर्ज़ी से खर्च करेंगे जितना मर्ज़ी, ऐसा होता था। और गाइस अब हम बड़े हो गए हैं तो अब हमें खुद उल्टा पैसे देने पड़ते हैं। बिरयानी इतनी लेट क्यों बना रही है? बिरयानी अब बनाएगी, अभी तो खीर बन चुकी है। खीर तो गाइस बिरयानी अब बनाएगी, और बिरयानी बनने के बाद भी थोड़ा सा एक मीठा खा करके काफ़ी वो अजीब सा एक मन सा भर जाता है, थोड़ा नमकीन का दिल करता है ज़्यादा खाने के लिए, नमकीन और खाने के लिए। इस वक्त मैं खा रहा हूँ दही बड़े और ये चिकन। ये सना भी खाएगी, ये रही सना देख, ये चिकन। लो आकर फोन पे ध्यान देता है उसका, खाने पे ध्यान कम देता है। अभी हमने ये लिया है, ये क्या चीज़ लिया है? ये मिठाई है, ये क्या है? चलो रख दो रख दो। देखिए गाइस अभी रौनक देखिए, देखिए मार्केट हमारी तरफ की है, हमारे तरफ की मार्केट देखिए गाइस, अभी भी रौनक है, आज ईद की शाम हो गई। गाइस खाना खा लीजिए, दही बड़े, खीर, साथ में बूरा, ये फीकी खीर है और ये चटनीज वगैरह है। ये है कल और एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ में, आज फर्स्ट ईद है, कल है सेकंड, तो कल फिर मिलते हैं, ब्लॉग में बने रहिए, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।